हरे कृष्णा। कल से यानी कि 20 अक्टूबर से द मोस्ट ऑस्पिशियस मंथ ऑफ कार्तिक शुरू होने जा रहा है। कार्तिक मंथ इसलिए भगवान कृष्ण को प्रिय है क्योंकि ये मंथ, ये महीना श्रीमती राधा रानी को डेडिकेटेड है। तो ये मंथ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? वेल, सबसे पहले तो हर दिन हमको भगवान श्री कृष्ण को, दामोदर को, एक घी का दिया ऑफर करना चाहिए। यदि आप मंदिर जाके नहीं कर सकते तो आप घर पे भी कर सकते हैं भगवान के फोटो पे। जैसे हर इस्कॉन मंदिर में हर शाम दामोदर अष्टकम आरती होगा, तो आप जा सकते हैं। दूसरा, आप भगवान के लिए हर दिन डेली दामोदर आरती गाना चाहिए और अन्य अन्य गीत भजन है, जैसे गोपी गीत है वो भी गा सकते हैं, तो ये गाना चाहिए। भजन कीर्तन साधना में ज्यादा टाइम लगाना चाहिए। और तीसरी चीज, कोई वॉलंटरी तपस्या, जैसे कि बहुत प्रकार की तपस्या है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। डेली मैं सुबह 4 बजे उठ के ठंडे पानी से नहा के मंदिर जाऊंगा मंगला आरती के लिए, ऐसा कुछ, या मैं सिर्फ दिन में एक टाइम खाऊंगा, या फिर सम वॉलेंट्री तपस्या जो आप कर सकते हैं आप ले सकते हैं। तो इससे हम ये क्यों करते हैं, ताकि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, एनीथिंग एंड वॉट एवर लिटिल यू कैन डू। सो यस, कार्तिक मास में जाइए, अपने नजदीकी इस्कॉन मंदिर में जाइए और डेली कम से कम भगवान को घी का जो दिया है उसको जरूर चढ़ाइएगा। हरे कृष्णा।